अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को टेस्ट प्रिपरेशन एमसीक्यूज के चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। इस वीडियो में आपके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपीएससी के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाला हूँ और तमाम एमसीक्यूज पास्ट पेपर से लिए गए हैं, तो वीडियो को गौर से देखें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बर्वक पहुँचती रहें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है विच इज़ फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस का क्या नाम था, तो इसका करेक्ट आंसर है मियां अब्दुल रशीद। नेक्स्ट है हजरत उमर फारूक ने किस सूरह से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया, वो कौन सी सूरह थी जिससे मुतासिर होकर हजरत उमर फारूक रजी तआला ने इस्लाम कबूल किया था, तो करेक्ट आंसर है सूरह ताहा। नेक्स्ट है 1973 का आइन किसने सस्पेंड किया, 1973 का आइन था ये किन्होंने मुअत्तल किया, तो इसका करेक्ट आंसर है ज़ियाउल हक ने। नेक्स्ट है फातिमा जिना का पेशा क्या था, पेशे के लिहाज से फातिमा जिना जो थी वो डेंटिस्ट डॉक्टर थी। नेक्स्ट है हु इज कैपिटल ऑफ टर्की, टर्की का जो कैपिटल है दारुल हुकूमत कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है अनकरा। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉल्ड अफगान पाकिस्तान बॉर्डर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर लाइन है इसका क्या नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर है ड्यूरिन लाइन। नेक्स्ट है हु प्रेजेंटेड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो नजरिया अज़ाफ़ियत किसने पेश किया ये, तो इसका करेक्ट आंसर है आइंस्टाइन ने। नेक्स्ट है पाकिस्तान के पहली औरत जिसने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, इसका करेक्ट आंसर है फातिमा जिना ने। नेक्स्ट है अनारकली ड्रामा किसने लिखा, जो अनारकली ड्रामा है जो इन्होंने लिखा है इम्तियाज अली ताज ने। नेक्स्ट है ओलंपिक्स गेम्स हेल्ड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, जो ओलंपिक की गेम होती है ये कितने सालों के बाद मुनक्किद होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है 4 साल बाद। नेक्स्ट है श्रीलंका वाज फॉर्मली नोन एज, श्रीलंका को रस्मी तौर पे क्या जाना जाता था, तो इसका करेक्ट आंसर है साइक्लोन। नेक्स्ट नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की दारुल हुकूमत का क्या नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर है अस्ताना। नेक्स्ट दिल्ली वाज द नेम ऑफ द, दिल्ली जो है किस चीज़ का नाम था, इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट क्लोन शीप का नाम था ये। नेक्स्ट एमसीक्यू है अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज रफली स्पेरिकल बिकॉज ऑफ, जो पानी का कतरा होता है वो गिरवी शक्ल का होता है, तो इसका क्या वजह है, तो इसका करेक्ट आंसर है सरफेस टेंशन की वजह से। नेक्स्ट है ऑन विच डे इज द ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व, इंसानी हकूक का दिन किस दिन मनाया जाता है और ये हर साल मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 10 दिसंबर को। नेक्स्ट है विच बुक ऑफ द इब्ने खल्दून मेड हिम फेमस, इब्ने खल्दून को किस किताब ने मशहूर किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है मुकदमा ने। नेक्स्ट है व्हेन डिड फास्टिंग बिकम अ फर्ज इन इस्लाम, इस्लाम में रोज़ा कब फर्ज हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है 2 हिजरी को। नेक्स्ट है व्हेन वाज द चार्टर ऑफ मदीना अडॉप्टेड, जिसको मिसाक मदीना भी कहा जाता है ये कब मंजूर हुआ था, इसका करेक्ट आंसर है 1 हिजरी को। नेक्स्ट एमसीक्यूज है स्कॉटलैंड यार्ड इस पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ, स्कॉटलैंड यार्ड जो है ये किस के पुलिस डिपार्टमेंट है, इसका करेक्ट आंसर है यूनाइटेड किंगडम का। नेक्स्ट एमसीक्यूज है मुसाद इज द सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ, मुसाद जो है ये किस मुल्क की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसका करेक्ट आंसर है इसराइल। नेक्स्ट है यूरोपीय यूनियन हैज डैश मेंबर्स, यूरोपीय यूनियन के टोटल तादाद जो अभी कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर है 27। नेक्स्ट है सीएनजी इज एन ऑब्जर्वेशन ऑफ, सीएनजी से क्या मौकफ बनता है, इसका करेक्ट आंसर है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट है डिनोस, डिनोस का क्या मतलब है, तो इसका करेक्ट आंसर है डिफेंड करना।
Next है, a normal CD room can usually store up to, एक आम जो CD room होता है या CD disc होती है इसमें कितना डेटा आप लोग स्टोर कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर है 680 MB का। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, 4 × 3 + 5 × 6 / 18 − -12। तो ये कैलकुलेशन के बाद, और इसमें आप लोगों ने कैलकुलेशन डिमास रूल के मुताबिक करनी होती है, पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करके, और इसका करेक्ट आंसर आता है कैलकुलेशन के बाद 3। आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर्वक पहुँचती रहे। इसके अलावा कोई भी मालूमात चाहिए या कोई भी कमेंट तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।